हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन वंडर्स। आज माय किचन वंडर्स आपके लिए लेके आए हैं मुंबई का स्ट्रीट फूड चीज़ी ब्रेड कुडला। खाओ गली, ये तो नाम आप सुना होगा। ये मुंबई का बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है। ये चीज़ी ब्रेड कुडला उधर बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी भी रहता है, आसान है बनाना। सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम हो या शाम का छोटी मोटी भूख हो और कोई वेजिटेबल्स ना रहा तो भी हम लोग ये चीज़ी ब्रेड पुडला आराम से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रहता है, मैं तो इसको देसी सैंडविच बुलाती हूँ। ये वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ढेर सारे ऐसे मज़ेदार रेसिपीज के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने बेसन ले लिया, इन सबको छान के ले लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया और एक चम्मच जितना राइस फ्लोर डाल दिया। ये सब हमारे टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको मैं अच्छे से छान के ले रही हूँ क्योंकि इसका हमको गोल बनाना है। ऐसे छान के लेने से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं और मैंने खूब सारा धनिया अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप करके डाल दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें अच्छा सा गोल बनाएंगे। ये बैटर थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए क्योंकि हम लोग ब्रेड को इसमें डिप करके फिर रोस्ट करेंगे। इसकी वजह से तीन हो गया तो ब्रेड एकदम नमी हो जाएगा और हमारा पुडला क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक ग्लास जितना पानी हो गया है हमको यूज़ करते हुए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनके तैयार हो गया। इसको थोड़ी देर हम लोग साइड में रखेंगे, तब तक हम लोग एक तवा को अच्छे से गर्म करेंगे और उसको ग्रीस करके ये ब्रेड को उसमें अच्छे से डिप करेंगे और तवे पे रख के थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम में इसको अच्छा सा हमको सेकना है। ये थोड़ा सेकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बेसन पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा हाई में पकाएंगे तो जल जाता है, इसके लिए मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा आराम से पकाना है। देखिए, धीरे धीरे अच्छे से पक रहा है दोनों ब्रेड। अभी तो इसको और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा बटर डाल देंगे। बटर डालने से ये हमको ब्रेड पुडला बहुत ही टेस्टी रहता है। टेस्ट के साथ साथ अच्छा सा क्रिस्पीनेस और रंग भी आ जाता है। अभी तो नेक्स्ट हमारा एक और प्यारा इंग्रेडिएंट चीज़ ढेर सारा इसमें हम लोग डाल देंगे। इसमें चीज़ और मिर्ची बहुत ही टेस्ट लेके आता है। ढेर सारा चीज़ डालेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आपको अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, बट चीज़ी ब्रेड पुडला में टेस्ट बहुत रहता है। इसके अलावा हम लोग एकदम बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि चीज़ और चिल्ली का एकदम अनोखा बंधन है ना, इसके लिए। अभी उसको हम लोग सैंडविच की तरह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 2-3 मिनट्स फिर से अच्छा सा रोस्ट करेंगे क्योंकि चीज़ अंदर से अच्छे से मेल्ट होके इतनी मज़ेदार पुडला बन गया। देखिए, अभी हमने इसको स्टोव में से निकाला, अच्छे से इसको हम लोग स्क्वायर शेप में काट रहे हैं। आप लोग चाहे तो ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, आपको जैसा मन चाहे वैसा काट के इसको सर्व करेंगे। इसके साथ लाल चटनी, लहसुन चटनी, ग्रीन चटनी, टमाटर केचप, जो आपको मन चाहे उसके साथ इसको ले सकते हैं। मुंबई स्ट्रीट फूड कलबादेव खागवली का स्पेशल चीज़ी ब्रेड पुडला अभी घर में आसानी से बना के हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। देखा, आपने एक भी वेजिटेबल नहीं है, हम लोग एकदम मज़ेदार चीज़ी ब्रेड पुडला मुंबई स्ट्रीट फूड स्पेशल हमने बना लिया है झटपट। बहुत ईजी है ना ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और आप इसको बना के आपको कैसा हुआ है वो फीडबैक कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ढेर सारे मज़ेदार वीडियोस के साथ, रेसिपीज के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।